हेलो सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं सेक्शन बी के लिए वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जिसमें जिसे पढ़ के आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद होगी। इससे पहले मैं बता दूं कैसे आपको क्वेश्चन बनाने हैं, कैसे करने हैं, कैसे आपको लिखना है, यह चीज़ की जानकारी मैं देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं कि आप जाइएगा तो आपका राइटिंग होगा, राइटिंग वह काफ़ी सुंदर होना चाहिए। सेक्शन बी के लिए बहुत मायने रखता है राइटिंग। राइटिंग जो है वह आप बिल्कुल अपना सुंदर ढंग से लिखेगा, बिल्कुल अपने जैसे सुंदर, जिस तरह आप सुंदर हैं उसी तरह लिखेगा, ठीक है। अब दूसरी बात कि ये तीन होंगे, जो जानना है उसे खूब लिखना है और नंबर के हिसाब से लिखना है। ये नहीं कि एक प्रश्न में हम को बेहतर जान है तो उसमें ज्यादा समय दें, ये काम नहीं करना है। हर एक प्रश्न को टच करना है, हर एक प्रश्न को टच करना है, किसी को नहीं छोड़ना है, किसी को नहीं छोड़ना है। तो इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बेहतर नंबर मिल सकते हैं। और अब सेक्शन बी की आपको प्रिपरेशन यहाँ पर मिल जाएगी कि कैसे करना है। तो जिस तरह आपके बोर्ड में पूछता है प्रश्न, वही चीज मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, प्रदान करने जा रहा हूँ कि पहले में क्या पूछता है, दूसरे में क्या पूछता है, तीसरे में क्या पूछता है, इस तरह सात तक पूछते हैं, सात तक। तो मैं सीरियल वाइज बताने जा रहा हूँ, आपको विशेष रूप से देखना है बिना स्किप किए हुए। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए फर्स्ट में देखते हैं। तो फर्स्ट में आता है एसे को कैसे लिखा जाता है, तो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। एसे में देखिए, सबसे पहले एसे लिखने से पहले आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, इंट्रो लिखना पड़ेगा उसका कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद दो नंबर में उसके बॉडी को लिखेगा। बॉडी कहने का मतलब जो भी है उससे संबंधित बात। अब मान लीजिए यहाँ पर COVID-19 है तो बॉडी इसका लिखना होगा तो अलग लिखाएगा। फेस्टिवल का होगा तो फेस्टिवल के अनुसार लिखाएगा। अगर यहाँ पर डिसिप्लिन इसके बाद आता है या यूज ऑफ इंटरनेट आता है तो इसका अलग होगा बॉडी, डिसिप्लिन का अलग बॉडी होगा, और पोल्यूशन है पोल्यूशन का अलग बॉडी होगा। तो बॉडी में जैसे जैसे पॉइंट होते हैं या पॉइंट मिलते हैं या शीर्षक मिलते हैं, हेडिंग मिलते हैं, जैसे COVID-19, डिसिप्लिन, यूज ऑफ इंटरनेट, तो उसके हिसाब से बॉडी में कुछ चेंजिंग आ सकते हैं। सबके लिए बॉडी नहीं हो सकता है, बस इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी, उसके बाद लास्ट में जो तीन नंबर होता है, लास्ट में थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर में आपको लिखना है कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, आप उसे उसके बारे में क्या निष्कर्ष देना चाहते हैं। जैसे कोविड 19 के बारे में आप निष्कर्ष क्या देना चाहेंगे, तो आप कहिएगा कि सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए। निष्कर्ष का मतलब निवारण, आप निवारण या उससे आपको मिलने वाली प्रेरणा। जैसे फेस्टिवल है तो फेस्टिवल हमें लास्ट में क्यों मनाना चाहिए, आगे भी हमें क्यों मनाना चाहिए, डिसिप्लिन को हमें क्यों फॉलो करना चाहिए, ये चीज कंक्लूजन में लिखा जाता है। तो इस तरह से आप इसे को लिख दीजिएगा। और यहाँ पर दिए भी हैं और पीडीएफ में भी दिए हैं, तो हर एक लाइन बाय लाइन बताना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। बस आपको पहले से ही मैं यहाँ प्रोवाइड कर चुका हूँ और आप देख लीजिएगा कैसे लिखना है। बस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ तरीका कि आप जाइएगा एग्जाम में तो लिखने से पहले आपको कैसे लिखना है। दूसरा देखिए, दूसरा आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में प्रोज आता है, पोएट्री आता है। तो सबसे पहले प्रोज का देखेंगे, एक्सप्लेनेशन कि प्रोज में एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाए, हम प्रोज में आ जाए। चलिए स्किप कर रहे हैं, आप देखते चलिएगा। प्रोज आ गया, प्रोज यह चार नंबर का होता है, चार नंबर का पूछता है प्रोज। प्रोज को कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा तो देखिए, सबसे पहले तो पहचानना होगा कि यह कौन से चैप्टर का है, उसके ऑथर कौन है। तो पढ़ने से पता लग रहा है सिविलाइजेशन कल्चर देख रहे हैं तो यह फर्स्ट चैप्टर का ही है, फर्स्ट चैप्टर का ही है जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है, जिसका ऑथर है महात्मा गांधी, जिसका ऑथर है महात्मा गांधी। और यह एक ऐसे है, तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि दिज लाइन गिवन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर डिटेल बाई महात्मा गांधी। चलिए मैं एक एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, उसके बाद आपको बिल्कुल समझ जाएगा कि आगे का भी किस प्रकार एक्सप्लेनेशन करना है। तो यह जो एक्सप्लेनेशन का भी करना होगा, इतना शुरुआती आप इतना कीजिएगा, एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं ना, कि
कि द गिवन लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। देखिए यहाँ तक द गिवन लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम के बाद जो चैप्टर रहेगा उस चैप्टर का नाम लिखना है, उसके बाद विच करके रिटेन बाय जिसके द्वारा लिखा जाएगा, जैसे भारतीय जमाइन डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखा गया है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन दे सकते हैं यहाँ पर अगर उस चैप्टर का रहे तो। लेकिन यहाँ पर किस चैप्टर का है तो फर्स्ट चैप्टर का है, और इसके ऑथर कौन है तो रिटेन बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखें कि थ्रू दिस लाइन ही हैज प्रेजेंटेड द रियल ट्रेट ऑफ आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर हेयर। कह रहा है यहाँ पर कि यह जो प्रस्तुत जो लाइन है, प्रस्तुत जो लाइन है यानी पंक्ति है, यह हमारी सभ्यता को और हमारी संस्कृति को दर्शाता है। ही सेज दैट आवर सिविलाइजेशन आवर कल्चर एंड आवर स्वराज डज नॉट लाई इन इंक्रीज आवर डिजायर। कि यह हमारी सभ्यता जो है वह हमारी संस्कृति है और हमारी जो स्वराज है वह कभी नहीं हमारी इच्छाओं को बढ़ाती है, बट इन डिनाइंग इट कि यह मना करती है इच्छा को बढ़ने से। इफ वी इंक्रीज आवर डिजायर देन वी विल बी क्लोजर टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड वी विल लूज आवर ऑन आइडेंटिटी। कि देन अगर हम अपनी यदि हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, देन वी विल बी क्लोजर टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड विल बी लूज आवर आइडेंटिटी। कि अगर हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाते हैं, अपनी कामनाओं को बढ़ाते हैं, तो हम पश्चिमी सभ्यता के करीब चले जाते हैं यानी पश्चिमी सभ्यता की ओर ढलने लगते हैं और अपनी पहचान को, आइडेंटिटी को खो देते हैं, जिस तरह पश्चिमी सभ्यता ने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया है। इफ वी वॉन्ट टू कीप आवर आइडेंटिटी अलाइव वी ऑल हैव टू कंट्रोल आवर डिजायर। कि अगर हम लोग अपनी पहचान को अलाइव करना चाहते हैं यानी जीवित रखना चाहते हैं पहले से ही, तो हम लोगों को अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना चाहिए। चलिए इस तरह एक्सप्लेनेशन कीजिएगा तो बिल्कुल आपको 4 नंबर मिलेगा। और आगे देख रहे हैं, सबको मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, लाइन बाय लाइन देखिएगा, आप पीडीएफ में देखिएगा। यहाँ पर मैं बस बता रहा हूँ आपको तरीका, आपको कैसे करना है, क्या नहीं करना है। ओके, अब देखते हैं पोएट्री में चलते हैं। पोएट्री से भी 3 नंबर में क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा सेक्शन बी का, तो पोएट्री में पोएट्री का पूछता है एक्सप्लेनेशन। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में यानी 3 नंबर आपके क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें 3 नंबर में होगा यह कि आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट इवर वॉज इन द वेस्टर्न कंट्री। कि मैं सोचता हूँ कि सबसे सुंदर महिला वह थी दैट इवर वॉज इन द वेस्टर्न कंट्री, कि वह उसके जैसा पश्चिमी सभ्यता में कोई नहीं था। तो यह मैंने पढ़ाया है एन इफ्ताफ में जो वाल्टर डेला मेयर के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले तो लाइन को पहचानना है, लाइन पहचान लिया हम कि यह इफ्ताफ से लिया गया है, तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम एन इफ्ताफ। चलिए यहाँ बहुत सुंदर ढंग से हमने एक्सप्लेनेशन किया है कि यह जो पंक्ति है एन इफ्ताफ से लिया गया है, इट इज रिटन बाय वाल्टर डेला मेयर, कि यह वाल्टर डेला मेयर के द्वारा लिखा गया है। देखा ना ऑथर नाम लिखे है, ऑथर नाम यानी पोएट, यहाँ पर पोएट लिखेंगे क्योंकि कविता है। द पोएम मेक अस अवेयर ऑफ इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड लाइफ। चलिए सब देख लीजिएगा आगे, ओके, कि कैसे लिखा गया है, आपको याद कर लेना है यानी उसको बढ़ा देना। शुरुआत आप अच्छा कीजिएगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा आप उसके उसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, आपको जानकारी है। इस तरह सबको मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ तक लास्ट है। अब देखिए, अब इसके बाद आते हैं लेटर, 4 नंबर में लेटर आते हैं, तो लेटर देखते हैं कि लेटर को कैसे लिखा जाता है, और मैंने लिखा भी है और दिए भी हैं। चलिए यहाँ पर कैसे लिखते हैं लेटर को, लेटर को मैंने एक दिन पढ़ाया है और उसमें बताया है कि सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, और स्टेप कैसे, शुरुआत कैसे करते हैं और एंडिंग कैसे करते हैं। कहाँ गया लेटर, समरी, लेटर के बाद हम समरी देखेंगे। चलिए आते हैं, यहाँ देखिएगा तो 4 नंबर में पूछता है लेटर, पूछता है एप्लीकेशन लिखने के लिए। अब देखिए यहाँ पर लेटर, अब देखें, देखिए राइट ए लेटर टू योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आस्किंग फॉर रिलीफ एट
टू होम क्वारंटाइन कोविड 19 पेशेंट इन आवर इन योर लोकेलिटी। यहाँ पर कह रहा है कि अपने मजिस्ट्रेट के पास यानी अपने डीएम के पास यह बताते हुए कोविड 19 के होम क्वारंटाइन पे लिखिए जो आपका क्षेत्रीय है कैसे क्वारंटाइन, यानी इस समय देख रहे हैं कि कोविड 19 का दिन है, दिन प्रतिदिन इसकी केसेज बढ़ रही है, तो उसी के विषय में लिखना है आपको लेटर कि कैसे हम उसे निवारण पा सकते हैं, अपने घर पे बैठे होम क्वारंटाइन के द्वारा कोरोना से कैसे रिलीफ हो सकते हैं, कैसे मुक्ति पा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सजाग लिखे, जिस तरह मैंने सजाग लिखा है उसी तरह लिखना है। एक लाइन इसमें कहाँ गैप दिया जाता है, कहाँ नहीं दिया जाता है, ये मैंने क्लास में बहुत अच्छी तरह से चर्चा किया और मैंने पूरे सिलेबस को खत्म किया है। तो आपको भी अच्छे मार्क्स लाना है, जिसका 90 नहीं आया उसका। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है देखे। देखिए टू, सबसे पहले पोस्ट का नाम लिखा जाता है, तो टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट का नाम लिखती है। उसके बाद गांधी मैदान रोड लोडीपुर, यहां पर लिखा हुआ है जगह का नाम कि कहां है, गांधी मैदान रोड लोडीपुर। उसके बाद पटना पिन कोड दिया जाता है, तो पटना का पिन कोड इतना है। अब जहां जैसे लिखना हो आप कोई भी पिन कोड दे सकते हैं, बस 2 2 4 2 6 नंबर का होना चाहिए, जैसे 84105 84107, तो इतने नंबर का पिन कोड होना चाहिए, वो समझ जाएगा। आप चाहते हैं या नहीं वहाँ पर पिन कोड अपने मन दे सकते हैं, ठीक है, याद हो या ना हो। उसके बाद डेट लिखा जाता है, यहाँ पर गैप दे देकर लिखा जाता है। अब उसके बाद सब्जेक्ट शुरू करते हैं, जैसे तो सब्जेक्ट शुरू किए हैं तो उसके बाद गैप देते हैं। अब सब्जेक्ट शुरू करके यहाँ पर सब्जेक्ट को देखा जाता है कि कौन चीज के बारे में लिखे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कोविड 19 है, होम क्वारंटाइन, तो उसके बारे में लिख दिया जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट दे दीजिएगा जो आपके सिलेबस में पूछेगा। मैं एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ, तरीका, कि ये नहीं निश्चित है कि यही प्रश्न पूछेंगे, इस प्रकार प्रश्न आ सकते हैं, या आप इसे अगर किए हैं तो आप बिल्कुल इसी टाइप के टाइप से लिखकर बिल्कुल अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं, आपको कोई 60 में 50 प्लस कोई रोक नहीं सकता है। उसके बाद देखिए डियर, डियर सर लिखे हैं, यानी यहाँ पर अब गैप नहीं दिया जाता है, लाइनिंग का गैप नहीं दिया जाता है, तब उसके बाद जो भी है, जो भी कहना रहता है उसको लिख देते हैं और बहुत अच्छी तरह से लिखे हैं, लाइन बाई लाइन देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी का अब जरूरत नहीं है, बस आपको कैसे लिखना है एक याद कर लेना है और एग्जाम में लिख के चले आना है। अब देखिए लास्ट में जो है यहाँ पर योर सेंसरली, कि आपका, तो मैन यहाँ पर मैन दिया, तो आप यहाँ पर लिख के छोड़ मत दीजिएगा, अपना नाम लिखना है, आप कहाँ से लिख रहे हैं, तो आप एग्जाम दे रहे हैं एग्जाम हॉल में से लिख रहे हैं, तो यहाँ पर वही का लोकेशन दीजिएगा, कि जो एकेडमी होगा जैसे आपका मनफोर्ट में है तो मनफोर्ट लिखे, आपका कन्या प्रोजेक्ट है तो कन्या प्रोजेक्ट लिखिए, ओके। इस तरह से लेटर समाप्त होता है। अब आ जाते हैं 5 नंबर में, तो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछता है बुक से, यानी 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 10 नंबर के मार्क्स पूछते हैं कि, और एक प्रश्न होता है 2 नंबर का, जिसमें से 5 ही बनाने होते हैं। अगर एक बनाते हैं तो आपको 2 नंबर मिलते हैं, अगर 5 बनाते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। अब देखते हैं हम प्रश्न क्या क्या है, इसको देख लीजिएगा एक नजर। व्हाट मस्ट We have if we want to achieve something worthwhile in our life, कि हम लोग अपने जीवन में सबसे बहुमूल्य क्या चाहते हैं, तो if we want to achieve something worthwhile in our we must have a discipline, कि हम लोग यह तो 7 नंबर का है, चलिए हम इसे बाद में देखेंगे। पैसेज तो सबसे लास्ट में होता है, पैसेज तो सबसे लास्ट में होता है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहां पर है, यहां पर लिखा हुआ है कि शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट भी होते हैं जिसमें लॉन्ग भी होते हैं, 10+5 दिया है, 15 मार्क्स दिया है जी। अब देखिए नेम एनी 5 इंग्लिश राइटर्स पोएट ऑथर ड्रामेटिक, कह रहा है कि 5 इंग्लिश राइटर लिखिए, पोएट लिखिए, ऑथर लिखिए, ड्रामेटिस्ट लिखिए, कोई लिखिए, तो सबको बारी बारी से लिखे हैं। देखिए यहाँ पर आंसर दिया हुआ है कि फर्स्ट दिखे हैं कि 5 आंसर में, देखिए 5 इंग्लिश सब कुछ ये चीज लिखा हुआ है, तो उसके बाद सैमुअल बेकेट, आर्यन टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर के बाद है आपका जोहन डायडेन, टी एस एलियट, यह जो 5 है, 5
राइटर है, पोएट है, ऑथर है, ड्रामाटिस्ट है, ये देख लीजिएगा, यहाँ पहले भी पूछा हुआ है। दूसरा नंबर देखिए, नेम एनी फाइव पर इंग्लिश इंडियन इंग्लिश नॉवल राइटर ऑथर सर, सबको देख सकते हैं ना, बस मैं तो बता रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा समय के लिए, आप पीडीएफ में देखिएगा तो बेहतर होगा, और एक बार वीडियो देख लीजिएगा स्किप करके तो आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, कौन कौन प्रश्न है, सब पीडीएफ में मिलेगा और आपको समझ लेना है, ठीक ना। हर एक प्रश्न को मेंशन करना उचित नहीं है, और उचित इसलिए नहीं है क्योंकि समय नहीं है, आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। अब आप एग्जाम देने जाने वाले हैं, मेरी कामना रहेगी कि आप अच्छे से एग्जाम दें और किसी प्रश्न को नहीं छूना है, जब तक लिखिएगा नहीं तब तक आपको नंबर मिलेगा ही नहीं, इसलिए आप लिखना कभी मत छोड़िएगा। और साथ में रॉ नंबर है, जो भी है आपका क्रमांक है, जो भी एड्रेस भरा जाता है, उस चीज को नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपका रिजल्ट ही नहीं बनेगा। उसके बाद समरी देखते हैं, उसके बाद समरी को देखिए, यहाँ पर समरी दिया है कि कौन कौन समरी याद करना है, तो कोई एक समरी याद कर लीजिए, छह नंबर, पांच नंबर तो हो गया, छह नंबर में समरी पढ़ा जाता है, सेम समरी को लिखा जाता है। तो समरी एक से लेके प्रोज में भी चार तक, देखिए यहाँ पर फर्स्ट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दूसरा समरी देखिए भारतीय जमाई हुआ, ए पिंच ऑफ स्नूपर, आई हैव ड्रीम, इतना काफी सारा मिल गया कि आपको आपको लग रहा होगा कि बोझ है, तो कोई एक समरी याद कर लें और एक ही समरी को जो पूछे आई हैव अ ड्रीम अगर याद है तो आई हैव अ ड्रीम लिखिएगा, अगर आपको ये नहीं याद है तो इसी में पराग लिख दीजिएगा। अब हम आते हैं प्रोज की तरफ, प्रोज हो गया, पोएट्री की तरफ आते हैं। पोएट्री से भी एक समरी पूछता है जिसमें तीन समरी ऑप्शन होते हैं या चार होते हैं, जिसमें से एक ही समरी लिखना होता है, ये ना कि सभी को लिखना होता है, एक ही लिखिएगा, एक लिखिएगा आपको पांच नंबर मिलेंगे। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यह एक्सपेक्टेड है, और दूसरा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी एक से लेकर चार तक कोई देख लेना है सिलसिलेवार क्रम में, सिक्वेंस में देख लीजिएगा। यह हो गया, अब छह नंबर में आते हैं, तो छह नंबर का ही, अच्छा छह नंबर का ही था। उसके बाद मैचिंग होता है, तो मैचिंग कौन नहीं जानता, मैचिंग तो सभी लोग बना लेते हैं, तो मैचिंग दो मिलेंगे, एक प्रोज से मिलेगा, एक प्रोज से मिलेगा, दूसरा मिलेगा आपका पोएट्री से, दूसरा मिलेगा पोएट्री से, पोएट्री से और प्रोज से, यही दस नंबर हो जाएंगे। उसके बाद ट्रांसलेशन होता है, तो यह दस नंबर का हो गया, और ट्रांसलेशन बनाना होगा तो बना लीजिए, नहीं तो एक नोट लिखिए इंग्लिश में, यहाँ से छह नंबर आपको क्वेश्चन नंबर छह वाला क्लियर हो जाएगा और आपको पूरे पंद्रह नंबर मिलेंगे यहाँ से, तो इसको नहीं छोड़ना है। अब सबसे लास्ट रहा पैसेज, देखिए यहाँ पर पैसेज इधर उधर है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कैसे क्रम से आते हैं, पैसेज है, तो पैसेज को सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, और पैसेज बनाने के लिए मैंने बहुत बार तरीके बताए हैं कि सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन क्या किया हुआ, पहले तो पढ़ा जाता है पैसेज को ध्यानपूर्वक, लाइन बाई लाइन पढ़िएगा, एक बार पढ़िएगा, दो बार पढ़िएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये चीज है। अब देखिएगा पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन मिलेगा कि कौन सा क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर देखिए वांट अचीव, यह चीज लिखा हुआ कहाँ पर मिलेगा, अगर आप कुछ नहीं आता है, बिल्कुल आप नहीं जानते उसका अर्थ लगा रहे, तो वांट अचीव वहां पर ढूंढिएगा इसमें कि वांट अचीव 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 यहाँ पर है, तो इसी लाइन को आप लिख दीजिएगा जहां पर फुल स्टॉप, जहां पर फुल स्टॉप लास्ट किया हो तो वहां तक लिख देना है, और उसका आंसर हो जाएगा या राइट आंसर हो जाएगा, वो भी एग्जामिनर समझेगा, लेकिन अगर अर्थ लगाना जानते हैं तो आप अर्थ लगा के आंसर दीजिएगा तो और बेहतर होगा। चलिए ऐसे ही पैसेज को लिखा जाता है, तो यहां तक सेक्शन बी क्लियर हो जाता है। अब मैं पूरे कंप्लीट कराने के बाद अगर कोई आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझ में क्या कमियां है या कैसे बताना है, या मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपका एग्जाम जाए, और माता रानी की कृपा बने रहे हमेशा। थैंक यू सो मच।